आज तक हमने हिंदू धर्म में शक्ति का प्रतिनिधित्व करने वाले कई देवताओं के बारे में जाना है, परंतु हम आज उन देवियों का वर्णन करेंगे जिनके सामने त्रिदेव भी सर झुकाते हैं। शुरुआत करते हैं देवी राधा से। देवी राधा को प्रेम का प्रतीक माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि राधा कृष्ण एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। हिंदू धर्म में राधा को श्री कृष्ण की पत्नी रुक्मिणी से भी ज्यादा पूजनीय माना गया है। राधा श्री कृष्ण की प्रेमिका है जो उनकी दिव्य शक्ति का प्रतिनिधित्व करती है। माँ राधा को कृष्ण के प्रति उनकी असीम भक्ति के लिए भी जाना जाता है। इनकी असीम भक्ति के कारण हिंदू धर्म में श्री कृष्ण के साथ सदैव देवी राधा की पूजा की जाती है। सती अनुसुईया। सती अनुसुईया ऋषि अत्रि की पत्नी थी। इनके सतीत्व का तेज इतना अधिक था कि एक बार त्रिदेवियों के कथन पर स्वयं त्रिदेवों को भी इनकी परीक्षा लेने आना पड़ा। त्रिदेव एक ब्राह्मण का वेश धरकर सती अनुसुईया के आश्रम पधारे और उनसे निर्वस्त्र होकर भोजन परोसने को कहा। अतिथि को बिना भोजन कराए घर से भेजना उनका अपमान करने के समान था, लेकिन उनकी मांग के अनुसार देवी अनुसुईया की पतिव्रता धर्म नष्ट हो जाती। इसी के उपाय हेतु तो उन्होंने अपने सतीत्व की शक्ति से त्रिदेवों को 6 महीने का बालक बना दिया और उन्हें माता स्वरूप में उनकी इच्छा के अनुसार भोजन कराया। उनके इस कृत्य को देख त्रिदेव भी उनके सामने नतमस्तक हुए और अपने एक अंश को उन्हें पुत्र स्वरूप प्रदान किया, जिसका नाम दत्तात्रेय रखा। देवी तुलसी। देवी तुलसी को हिंदू धर्म में पौधे के रूप में पूजा जाता है। तुलसी की पूजनीयता से जुड़ी कई प्रचलित कथाएं हैं। एक कथा के अनुसार देवी तुलसी अपने पूर्व जन्म में शिवजी के पुत्र जालंधर की पत्नी वृंदा थी। जालंधर का जन्म शिवजी की तीसरी आंख से हुआ था, जिस वजह से वह बहुत ही शक्तिशाली था। ऐसा माना जाता है कि जालंधर को उसकी पत्नी वृंदा की पतिव्रता के कारण ही कोई नहीं मार सकता था, जिस वजह से वह देवताओं के लिए खतरा बनता जा रहा था। वृंदा भगवान विष्णु की परम भक्त थी। भगवान विष्णु ने दुनिया को जालंधर के अत्याचार से बचाने के लिए स्वयं जालंधर का रूप धारण किया और वृंदा के साथ रहने लगे, जिसके बाद वृंदा का सतीत्व खत्म हो गया और शिवजी ने जालंधर का वध कर दिया। यह बात जब वृंदा को पता चली तो उन्होंने विष्णु जी को पत्थर बन जाने का श्राप दे दिया, जिसे आज भी शालिग्राम के रूप में पूजा जाता है। वृंदा खुद चिता की अग्नि में जलकर भस्म हो गई और फिर उसी जगह वृंदा ने तुलसी के पौधे के रूप में जन्म लिया और फिर तुलसी और शालिग्राम का विवाह संपन्न कराया गया। देवी गंगा। हिंदू धर्म में देवी गंगा को नदी के रूप में पूजा जाता है। लोगों का विश्वास है कि इसमें स्नान करने से सारे पाप धुल जाते हैं, साथ ही जीवन मरण के चक्र से भी मुक्ति मिल जाती है। देवी गंगा पर्वतराज हिमालय हिमावान की बेटी है। पृथ्वी पर गंगा का अवतरण इक्ष्वाक वंश यानी श्री रामचंद्र जी के वंशज भागीरथ के अनुरोध पर हुआ था। ऐसा माना जाता है कि राजा भागीरथ ने अपने पूर्वजों को मोक्ष की प्राप्ति और देवी गंगा को पृथ्वी पर लाने के लिए ब्रह्मा जी की घोर तपस्या की थी। भागीरथ के तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी ने देवी गंगा को पृथ्वी पर अवतरित होने का आदेश दिया। तब शिव जी ने गंगा के वेग को अपनी जटाओं में समेट लिया और उसकी छोटी छोटी धाराओं को ही पृथ्वी पर गिरने दिया। पुराणों में कहा गया है कि गंगा ही एकमात्र ऐसी नदी है जो तीनों लोकों में बहती है, स्वर्ग, पृथ्वी तथा पाताल। देवी सीता। देवी सीता प्रभु श्री राम की पत्नी और मिथिला नरेश जनक की पुत्री थी। एक पतिव्रता के रूप में देवी सीता का नाम सर्वोपरि है। ऐसा माना जाता है कि देवी सीता का जन्म धरती से हुआ था, इसलिए इन्हें धरती माता की बेटी भी कहा जाता है। पति को वनवास मिलने के बाद देवी सीता रामचंद्र जी के साथ वन भी चली जाती है, जहां से लंकापति रावण उनका अपहरण कर लेता है और बाद में प्रभु राम के हाथों मारा जाता है। लंका से वापस आने के बाद माता सीता को अपनी शुद्धता सिद्ध करने के लिए अग्नि परीक्षा से होकर गुजरना पड़ता है, इसलिए देवी सीता को स्त्री जाति की शक्ति और सदाचार का प्रतिनिधित्व माना जाता है। देवी सरस्वती। हिंदू धर्म में माता सरस्वती को ज्ञान, संगीत और विद्या की देवी माना जाता है। इन्हें शारदा के नाम से भी जाना जाता है। वह ब्रह्मदेव की पत्नी है। इनका वाहन हंस है। इनकी हाथों में वीणा और पुस्तक है। वसंत पंचमी के दिन सरस्वती पूजा मनाई जाती है। भक्त सुबह जल्दी उठकर अपने मंदिरों में ज्ञान और ज्ञान का आशीर्वाद पाने के लिए माता सरस्वती को श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं।
देवी लक्ष्मी। देवी लक्ष्मी को धन और समृद्धि की देवी कहा जाता है। दीपावली के दिन भक्त अपने घरों को रोशनी और फूलों की मालाओं से सजाते हैं और माँ लक्ष्मी की पूजा करते हैं। वह भगवान विष्णु की पत्नी है। देवी लक्ष्मी न केवल भौतिकवादी धन का प्रतिनिधित्व करती है बल्कि महिमा, आनंद और सम्मान का भी प्रतिनिधित्व करती है। जो भी भक्त श्रद्धा से देवी लक्ष्मी की नित्य पूजा करता है उसे जीवन में कभी भी दुख का सामना नहीं करना पड़ता और न ही उसे धन की कमी होती है। देवी काली। भयंकर विकराल रूपी काले वर्ण वाली देवी काली माँ पार्वती का ही एक रूप है। शक्तिशाली देवी काली को शक्ति का प्रतीक माना जाता है। देवी काली को ज्ञान की देवी और आत्मा को मुक्त कर मोक्ष देने वाली देवी के रूप में भी पूजा जाता है। देवी काली को माता पार्वती का अवतार माना गया है। ऐसा माना जाता है कि माता पार्वती ने राक्षस रक्त बीज का वध करने के लिए काली का रूप धारण किया था। माँ काली के ललाट में तीसरा नेत्र और चंद्र रेखा शोभित है। कंठ में विकराल विष का चिन्ह, हाथ में त्रिशूल, खोपड़ियों की माला, हाथों में फरसा और एक खून का कटोरा माता के रूप को भयावह बनाता है। देवी पार्वती। देवी पार्वती पर्वतराज हिमालय हिमावान की बेटी है, अर्थात माता पार्वती और देवी गंगा दोनों बहनें हैं। उन्हें गौरी के नाम से भी जाना जाता है। इनकी सवारी शेर या बाघ है। वह भगवान शिव की पत्नी और कार्तिकेय एवं गणेश की माँ है। माता पार्वती सती का अवतार है, जो पूर्व जन्म में भगवान शिव की पत्नी थी, लेकिन अपने पति के प्रति अपने पिता के अपमानजनक व्यवहार के कारण वे आग में भस्म हो गई। माता पार्वती शक्ति और मातृत्व का प्रतीक है। माता पार्वती को ही दुर्गा का स्वरूप भी माना जाता है। देवी दुर्गा। देवी दुर्गा का पूजन नवरात्रि के दौरान बड़ी धूमधाम से किया जाता है। हिंदू धर्म में देवी दुर्गा को सबसे शक्तिशाली देवी माना गया है। देवी दुर्गा ने महिषासुर जैसे शक्तिशाली असुरों का वध कर मनुष्य जाति का उद्धार किया था। समस्त ब्रह्मांड में माँ दुर्गा स्त्री शक्ति का प्रतिनिधित्व करती है। उनकी सवारी भी शेर है। उनके हाथों में त्रिशूल है, जिसे उन्हें भगवान शंकर ने दिया था। इसके अलावा भगवान विष्णु ने उन्हें सुदर्शन चक्र प्रदान किया। पवन देव ने धनुष और बाण भेंट किए। इंद्रदेव ने वज्र और घंटा अर्पित किया। यमराज ने कालदंड भेंट किया और सूर्यदेव ने माता को तेज प्रदान किया था। माँ दुर्गा ही देवी आदिशक्ति और पर ब्रह्म है, जिससे समस्त ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई। तो ये थी हिंदू धर्म की 10 सबसे शक्तिशाली देवियां। वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट कर जरूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। राधे राधे। धन्यवाद।